हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। सो गाइस, ये हम बना रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट। गाइस, इस प्रोजेक्ट का अभी नाम हम आपको नहीं बताएंगे, जब बन जाएगा तो फिर हम आपको बता देंगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अपनी यूट्यूब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है ये। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे हम कैसे बना रहे हैं। तो आइए। सो गाइस, अगर बात करें इस गाड़ी की साइज की, तो ये 8 फीट लंबी है और 4 फीट चौड़ी। गाइस, इसमें हमने कार की स्टेयरिंग लगाई है, साथ ही इसमें बाइक का इंजन लगाया है और ये चारों पहिए लगाए हैं, ये ई रिक्शा के पहिए हैं। जैसे अपनी कार ऑपरेट होती है, जैसे अपन कार को चलाते हैं, उसी तरह से ये गाड़ी भी बिल्कुल चलेगी और उसी तरह से हम इसमें सिस्टम लगा रहे हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं आगे से। तो गाइस, ये आप देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे कार की स्टेयरिंग लगाई हुई है। ये देखिए, ये अपनी वैगनआर कार की स्टेयरिंग लगाई है, साथ ही यहाँ पे गियर लगाया हुआ है। ये गियर है, कुछ इस तरह से काम करेगा। और ये लेफ्ट साइड क्लच है, बीच में ब्रेक है और ये राइट साइड एक्सलेटर है। ठीक है, जैसे अपनी कार में सिस्टम होता है बिल्कुल उसी तरह से ये काम करेंगे। ठीक है, और ये अपना गियर रहेगा, साथ ही ये बीच में लगाया है इंजन। ये अपने TVS बाइक का इंजन लगाया है, TVS स्पोर्ट बाइक का। और यहाँ पे ये डिप्रेशन लगाया हुआ है और काफ़ी छोटा डिप्रेशन है। तो गाइज, ये लगाया हमने ई रिक्शा का, जो बैटरी वाले ई रिक्शा चलते हैं ना, तो उसी में से हमने लगाया है। ठीक है, उसी में से लेके आए थे। ये यहाँ पे गरारी सिस्टम है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिस्टम लगाया। ये अंदर से चैन आई है पहले यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बड़ी गरारी लगाई हुई है और फिर जाके ये यहाँ पे चलेगी। क्या है कि अगर हम डायरेक्ट भी लगा देते हालांकि, लेकिन हमने लगाई थी, दिक्कत क्या आ रही थी कि इसके पहियों के RPM बहुत ही कम बन रहे थे, यानी कि अपनी गाड़ी जान स्पीड नहीं पकड़ती, इसलिए हमने इसके RPM बढ़ाए। वहाँ इंजन से छोटी गरारी से छोटी गरारी चलाई, फिर इसके बाद यहाँ पे बड़ी गरारी लगाई है और फिर इसके जो इसकी चेन चढ़ा दी यहाँ पे छोटी, तो यानी मतलब RPM डबल होगा इसके। ये बड़ी गरारी से छोटी गरारी चलेगी तो RPM तेज हो जाते हैं, हमने डबल RPM करें इसके, तो कुछ इस तरह से काम करेगी। और ये साइड से कुछ ऐसी दिख रही है और यहाँ से कुछ सिस्टम गया है, ये वायर गए हैं एक्सीलेटर के लाने। ठीक है, और ये क्लच का वायर आया है, ये देखिए। और यहाँ से जो गियर डलेंगे और यहाँ से हमने जो रॉड लगाई हुई है और यहाँ पे ये अपनी गियर के सिस्टम में कनेक्ट कर दी है, इस तरह से काम करेगी अपनी ये रॉड। ठीक है, और ये एक और रॉड आई है जो अपनी ब्रेक की रॉड है। ठीक है, यहाँ से आई जी, ये अपनी गियर की रॉड और ये अपनी ब्रेक की रॉड, यहाँ से ये ब्रेक लगेंगे ये दोनों पहियों में, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये सिस्टम किया है हमने, आप अच्छे देख लो कुछ इस तरह से। और ये आगे का सिस्टम है जो स्टीयरिंग कुछ इस तरह से काम करेगी, ये देखिए, ये अपनी रॉड घूम रही है ये। तो यहाँ पे हमने ये अल्टो गाड़ी का पंप लगाया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से काम करता है। गाइस, ये एकदम स्मूथी काम कर रही है अपनी जो स्टीयरिंग, बिल्कुल जो अपनी कार की स्टीयरिंग काम करती है ना कार में, उसी तरह से एकदम मुलायम चलेगी। ठीक है, हालांकि गाइस, ये अल्टो गाड़ी का मैं पंप लाया हूँ, ये अल्टो कार आती है सुजुकी, तो उसी में से मैं निकाल के लाया था। इसकी मैंने साइज छोटी कर दी है, काट के अपनी कार के अनुसार। तो गाइज, अपनी गाड़ी की यही सारी प्रोसेस थी, चलिए अब मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने पास ये बैटरी है, इस बैटरी से अपन इस गाड़ी को चालू करेंगे और ये अपना जो इंजन है वो सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ इंजन लगाना पड़ा इसमें। अगर अपन सादा इंजन लगा देते तो फिर ये किक से चालू करती है अपनी गाड़ी, तो फिर प्रॉब्लम आती है अपने, तो सेल वाला इंजन अच्छा लगा मुझे।
देखा गाइस आपने, अपनी गाड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती है और गाइस ये अपनी गाड़ी जल्द जल्द रेडी होगी। और गाइस वीडियो आने में थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि गाइस हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम कुछ ऐसी चीज बनाए कि जो आपने अभी तक ना देखी हुई इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब और रियल मी वैसे भी। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम कुछ ऐसी चीज बना दें कि जो कि आपको देखने मजा भी आए और आपने कभी देखी ना हो, तो इसलिए थोड़ा समय लग जाता है वीडियो आने में, तो आप सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए गाइस जल्द जल्द हुई अपनी गाड़ी रेडी और लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ये गाड़ी रेडी हो जाएगी। लेकिन क्या है कि इसके पार्ट्स वगैरह सिस्टम जमाने में लगाने में थोड़ा समय लग जाता है, आप भी जानते हो ये बात कि कोई भी नई चीज़ बनाए तो थोड़ा समय लगता है। तो जल्द से जल्द रेडी करेंगे अपनी गाड़ी को, जल्द से जल्द रेडी हो जाएगी। चलिए गाइज आज की वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की प्लीज चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।